द प्राइमल। एक्शन और हॉरर से भरपूर फिल्म प्राइमल 2010 में आई थी, जिसका रन टाइम है 1 घंटा 25 मिनट। आईएमडीबी पर फिल्म को 4.9 की रेटिंग मिली है। फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉश रीड ने, फिल्म को लिखा है नाइगल क्रिस्टेंजन और जॉश रीड ने। मुख्य किरदार निभाए हैं जोई गेमाउ, क्रियो बॉयलन और लिंडसे फेरिस। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी दिखाई देता है जो गुफा पर कुछ पेंटिंग बना रहा था, वहीं एक और शख्स वहां पहुंचकर उस पेंटिंग बनाने वाले की हत्या कर देता है। ये सीन यही समाप्त हो जाता है। तभी हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते थे और वे किसी पेंटिंग का अध्ययन करने के लिए पहाड़ों पर घूम रहे थे। ये वही पेंटिंग थी जो शुरू में मरने वाला आदमी बना रहा था। वे उस पर्वत पर पहुंचते हैं जहां की गुफा पर वे पेंटिंग बनाई गई थी। अब उन्हें सुरंग से गुजरते हुए गुफा के ऊपर जाना था। ग्रुप के सदस्यों में से एक लड़की एमा को उस गुफा से गुजरते समय घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए उसे चक्कर आ रहा था और फिर वह चट्टान से टकरा कर नीचे गिर जाती है। चट्टान के टकराने से वह घायल हो गई थी और चोट लगने से उसका कुछ खून वहां गिर जाता है, जिसके बाद वहां तालाब में भी रहस्यमय हलचल शुरू हो जाती है जो किसी भी खतरे का अल्टीमेटम हो सकता है। लेकिन वे उन हलचलों को महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए एमा को लेकर उसके दोस्त गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर वे एमा पर पट्टी बांधते हैं। इसके बाद वे तय करते हैं कि वे सुरंग से गुजरते हुए गुफा के ऊपर जाएंगे, जबकि एमा कार से ऊपर आएगी। अब हम देखते हैं कि सभी दोस्त ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्होंने अपने टेंट गाड़ लिए थे, क्योंकि वे वहीं रहकर उन रॉक पेंटिंग का अध्ययन करना चाहते थे। एमा और उसका एक फ्रेंड तालाब को देखकर एक्साइटेड थे, इसलिए वे तालाब के किनारे चले जाते हैं। वे वहां के रहस्यमय कीड़ों को देखते हैं जो प्लास्टिक खा रहे थे। वे सभी उस जगह के नज़ारों का आनंद ले रहे थे जो बहुत अट्रैक्टिव था। अंत में उन्होंने उस गुफा पर एक नज़र डाली जहां पर पेंटिंग बनाई गई थी। कुछ मित्र उन चित्रों को गौर से देख रहे थे और उनमें से एक लड़की उन रॉक पेंटिंग की तस्वीरें ले रही थी। अब सब लोग इस जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन क्रिस जो वहां से फोटो खींच रही थी वो वहीं खड़ी रहती है। फिर उस पर एक अजीब जानवर हमला कर देता है। रात को सब दोस्त वहां मौज मस्ती कर रहे थे तो उनमें से एक लड़की नहाने के लिए तालाब में चली जाती है। नहाने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है, वहाँ अजीब तरह के कीड़े मकोड़े आ गए थे जो एक तरह की लीचेस थी। उन्हें देखकर वह डर गई। सभी दोस्त मेल के शरीर से लीचेस को निकालते हैं। बाद में मेल आराम करने के लिए अपने टेंट में चली जाती है। मेल को रात में तेज़ बुखार आया था और उसके मुंह से भी खून बह रहा था और उसके दांत भी टूट चुके थे। अब एमा मेल की मदद के लिए जाती है और अपने ग्रुप के लीडर को जगा देती है, जिसका नाम डेज था। लेकिन डेज उन्हें बताता है कि जो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, शायद मेल को यहाँ पोंड के पानी में नहाने के कारण साधारण बुखार हो गया था। लेकिन जब डेज खुद मेल की स्थिति देखता है तो चौंक जाता है और डेज अपनी सभी दोस्तों को सुझाव देता है कि वे मेल लेकर कैंप में जा सकते हैं, लेकिन वो शोध कार्य पूरा करने के बाद ही वापस आएगा। जब बाकी दोस्त मेल को लेकर कार में जाते हैं तो वे देखते हैं कि उन्हीं कीड़ों ने कार के टायरों को खा लिया था, जो कीड़े उन्होंने तालाब के पास देखे थे जो प्लास्टिक खा रहे थे। इसके बाद वे मेल को उसके टेंट में ही आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ देखने में आता है कि मेल के टूटे हुए दांतों के स्थान पर रहस्यमय दांत उगाए गए थे। अगली सुबह सभी यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच क्रिस देखती है कि मेल के बिहेव में अजीब सा बदलाव आ गया था। अब क्रिस धीरे धीरे मेल की ओर बढ़ने लगती है। उसे बहुत डर भी लग रहा था। जैसे ही क्रिस उसे छूती है तो देखती है कि मेल का चेहरा ब्लड में सना हुआ था। क्रिस उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वह एक जानवर को खा रही थी। मेल क्रिस को यहाँ से दूर धक्का देती है और वह अपने सभी दोस्तों पर हमला करती है। इसके साथ यह भी हम देखते हैं कि उसके दांत भी वैम्पायर की तरह हो गए थे। यहाँ मेल से सभी डरे हुए थे, लेकिन डेस आग की छड़ी उठाकर उसे डराने लगता है, क्योंकि डेस को यह ज्ञान था कि ऐसे जीव आग से बहुत अधिक भय महसूस करते हैं। अब वह इंसान को छोड़कर दूसरे प्राणी में बदल चुकी थी। डेज का आइडिया काम करता है और मेल आग से डर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मेल ने अपने एक दोस्त को घायल कर दिया था। अब क्रिस अपने कैमरे में रॉक पेंटिंग देख रही थी तो वह बताती है ये पेंटिंग्स किसी हिस्ट्री को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये पेंटिंग्स किसी भी प्रकार की वार्निंग्स है। डेज क्रिस से कहता है इन रॉक पेंटिंग को गौर से देखो, शायद इसी से हमें कोई मदद मिल जाए जिससे हम मेल को ठीक कर सकें। दूसरी तरफ मेल दिखाई देती है जो जानवरों का शिकार करके जानवरों को एक गुफा में फेंक रही थी।
वह गुफा सभी जानवर को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब वे सभी दोस्त मिलकर मेल के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं। डेज जान बनाने के लिए योजना बनाता है। वह बताता है, तुम उस जाल के पास खड़े होंगे और जब मेल यहाँ तक आएगी तो तुम वहाँ से पीछे हट जाना और मैं पेड़ पर रहूँगा और रस्सी पकड़े रहूँगा। जब मेल ट्रैप तक आ जाएगी तो मैं पेड़ से कूद जाऊँगा और मेल जाल के पास आ जाएगी। इस तरह वह उनके जाल में फंस जाएगी। लेकिन अभी भी एक मसला ये था कि मेल को ट्रैप तक कैसे लाया जाए। तो डेज सभी दोस्तों को निर्देश देता है कि वे आग की छड़ें पकड़कर जोर से चिल्लाएं तो मेल उन्हें देखकर यहाँ आ सकती है। इसके साथ वो सभी दोस्तों का मार्गदर्शन करते हुए बोलता है कि याद रखना कि सभी के पास आग की छड़ी होनी चाहिए, नहीं तो मेल आप सभी को इंजोर्ड कर सकती है। डेज पेड़ पर चढ़ जाता है जबकि शेष अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वे मेल का ध्यान आकर्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एमा दिखाई देती है जिसके सामने मेल अचानक से आ जाती है। एमा आग की छड़ी के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन एमा की आग भी बुझ रही थी। इसी बीच उनका दूसरा साथी भी वहां पहुंच जाता है जिसके पास आग की छड़ी थी और वह मेल को आग की छड़ी की मदद से उसे दूर रखते हुए जाल के पास लाते हैं। जैसे मेल सिट को देखती है जिसके पास आग नहीं थी, वह उस पर हमला करती है। वह तेज़ी से अपना कदम पीछे ले जाता है। इसी वक्त डेज तुरंत पेड़ से कूद जाता है तो मेल उनके जाल में फंस जाती है लेकिन उन्हें फंसाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मेल ने पल भर में वो जाल तोड़ दिया था। मेल ने अपने एक साथी पर हमला करते हुए उसे घायल कर दिया था और वह तुरंत डेज के पीछे चली गई थी जो उनके ग्रुप का लीडर था। इधर एमा जो अपने दोस्त की मदद करने के लिए रुकी थी उसने देखा कि मेल वहाँ से भागने लगी थी। डेज ने तालाब में कूदकर खुद को बचा लिया था लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेल डर के मारे तालाब से क्यों भागी, शायद पानी में कुछ था। डेज तालाब से बाहर आकर खुद को जांचता है कि क्या लीचेस उसके शरीर से तो नहीं चिपक गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वह अभी भी सुरक्षित था। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेज की हालत भी खराब हो गई थी। अब उन्हें पता चल गया था कि उस तालाब और जगह में कुछ बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं। अब क्रिस को यहाँ बहुत डर लग रहा था और वह पूछती है अब क्या करना है। सिट का कहना है कि हमें डेज को मारना होगा क्योंकि डेज भी अब सुपर ह्यूमन में बदलने जा रहा है, इसलिए हम एक समय में दो व्यक्तियों के साथ नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी डेज को मारने को तैयार नहीं था, इसीलिए वे एक खेल खेलते हैं जिसमें एमा हार जाती है। अब खेल के नियम के मुताबिक एमा को डेज को मारना था। एमा डेज को मारने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो उसको नहीं मार पाती। फिर भी वो वहाँ से एक बड़े पत्थर को उठाती है और उसे डेज के सिर पर ज़ोर से मारती है तो उसे डेज बेहोश हो जाता है। इसके बाद देखा जा रहा है कि ये तीनों अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वे एक हथियार की तलाश कर सके और उसकी हेल्प से वे मेल और डेज को मार सके। लेकिन उनके कार तक पहुँचने से पहले मेल उनके सामने आ जाती है। सिड ये देख कर बुरी तरह डर जाता है और मेल उसे घायल कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस उस कार के पास तक जाती है और उसने खुद को उस कार में बंद कर लिया था और एमा खुद को मेल से बचाने के लिए एक गुफा में घुस गई थी। एमा ने नोटिस किया कि मेल गुफा से बाहर ही रुक गई थी, मानो जैसे उस गुफा में कुछ खतरा था। क्रिस जो यहाँ कार में हथियार खोज रही थी उसे डेज दिखाई देता है और जैसे ही क्रिस हथियार लेकर कार से बाहर आती है तो डेज उस पर हमला करता है। इससे पहले कि वह उसे काटता है मेल उसे बचा लेती है लेकिन क्रिस की ये सेफ्टी ज़्यादा दिन तक नहीं रही क्योंकि मेल क्रिस को पकड़कर उस गुफा में फेंक देती है जहाँ वह पहले भी कई जानवरों को फेंक चुकी थी। अगले सीन में एमा और सिड दिखाई जाते हैं जिन्होंने उस हथियार को उठा लिया था जिसे क्रिस ने कार से खोजा था। उन्होंने वहाँ देखा डेज और मेल उनके एक दोस्त की बॉडी को मिलकर खा रहे थे। अब सिड इसे देखकर गुस्से से भर जाता है और वह वहाँ जाकर डेज से लड़ने लगता है। अब आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी जहाँ एमा मेल पर हमला कर रही थी जबकि सिड डेज से जूझ रहा था। डेज और सिड एक दूसरे पर खतरनाक तरीके से हमला करते हैं और वे दोनों मौके पर ही मर जाते हैं। अब केवल एमा और मेल बचे थे। एमा अपना हथियार उठाकर आग की मदद से उस गुफा में चली जाती है क्योंकि एमा यह जानती थी कि मेल गुफा में प्रवेश नहीं करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि गुफा में एक अन्य क्रिएचर भी था। एमा डरते हुए गुफा में प्रवेश कर रही थी जहाँ एक जगह उसको क्रिस दिखाई देता है। पहले तो वह उसे देखकर डर जाती है, फिर वह क्रिस को लेकर बाहर जाने लगती है। इस बीच एमा को वो क्रिएचर पकड़ लेता है, दूसरी ओर क्रिस को भी वो क्रिएचर को पकड़ लेती है। इधर एमा के ऊपर भी उस क्रिएचर ने अटैक कर दिया था। क्रिस से हेल्प मांगती है लेकिन वो क्रिएचर
क्रिस को भी मार देता है। जैसे ही वो क्रिएचर एक मिनट के लिए एम्मा को छोड़ता है तो एम्मा तुरंत उस प्राणी पर हमला करती है और उसको घायल करते हुए गुफा से बाहर आ जाती है। बाहर आकर एम्मा देखती है कि वो क्रिएचर उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर ही रुक जाता है, वह गुफा से बाहर नहीं आया था। इसी बीच मेल एम्मा पर फिर से हमला करती है, लेकिन एम्मा मेल को एक पेड़ पर फेंक देती है जिससे उसकी कमर टूट जाती है। फिर एम्मा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मेल के सिर पर मार देती है जिससे मेल की मौत हो जाती है और अब केवल एम्मा ही जिंदा बचती है और इस सीन पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।